हाय गाइस, इतने विकास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग आए हैं हमारा चर्च के कुछ काम के लिए। एक्चुअली मैं बाद में आप लोगों को ये डिटेल्स बताऊंगा, इसी काम में ही कुछ हम काम है। सो मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग उधर पहाड़ की ओर बाम्बू लाना है, बाम्बू का कुछ काम है। तो एवरीथिंग आई विल शो यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू कटिंग बाम्बू। तो देख रहे हैं, देख सकते हैं, हमारे साथ मेरा भैया है, मेरा मामा है और उधर दोस्त लोग है। 4, 5, 6, 7, 8 8-9 लोग आ रहा है। तो जाएंगे, नज़ारा देखिए कुछ इस तरफ से है। इधर पूरा पत्थर है, ऊपर में पहाड़ है। तो हम लोग जाएंगे उधर, बाम्बू कटेंगे, क्या क्या करेंगे आप लोगों को सब दिखाऊंगा। और किस लिए बाम्बू काट रहा है, हम क्या बनाएंगे, सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बनी रहिए मेरा वीडियो में। देख सकते हैं हम लोग इधर बाम्बू काट रहे हैं। मतलब हम लोग, मैं सोच रहा था पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहाड़ नहीं चढ़ा नहीं। तो देख सकते हैं इधर 10 बाम्बू काटेंगे हम लोग। बस हमारा अभी बम्बू कटिंग पूरा हो गया है, ये देख सकते हैं चारों ओर बम्बू बम्बू बम्बू। अभी हमको ले जाना है उधर, जहाँ से हम आया था उधर ले जाएंगे, यहाँ से बहुत दूर है। तो ठीक है, देख सकते हैं हमारा बाबा लोग, यूथ्स लोग, सब लोग है इधर। तो बम्बू भी हो गया रेडी पूरा। तो आपको ले जाना है उधर, ले जाके क्या क्या करेंगे। ओके ठीक है, मैं बोलूँगा आप लोगों को। बाय गाइस, थक चुका हूँ, पसीना, मतलब देख सकते एक बम्बू लिया हूँ मैं, फिर भी मतलब इतना भारी है, क्या ही बताओ। बहुत खराब हो चुका है, गर्मी भी बहुत है, बहुत दूर ले जाना है अभी। फिर थोड़ा रेस करके हम लोग चला गए, सब लोग आ रहा है सबसे पीछे। इसलिए बम्बू लाया है इधर, इसलिए ये सब कर रहा है। ठीक है, आपको हम डिटेल्स में बता देंगे, फोटो दे दो। Thank you.
ज़्यादा गर्मी है, पानी एक बोतल ख़त्म हो गया। देखो अभी इतना सा बाकी है, इतनी सी बाकी है, अब इसको भी ख़त्म कर दूंगा मैं। तो पिएगा फिर एक बोतल तो चिया हम चिया खाई लेना। अरे तो गाइस टी टाइम, अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, ये देख सकते हो टी। हां और इन लोग सब हाय गाइस, टी चाय, टी चाय, टी टाइम कर रहे हैं। चाय खाना लो, आज लो, चाय पी रहे हैं। गर्मी लेकिन बहुत ज्यादा है, गर्मी में लाइट लाल चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना। ठीक है, चाय चीनी नहीं है गाइस, मैं सोचता था चीनी है वाला। ओके नो प्रॉब्लम गाइस, एनीवे वेरी टेस्टी एंड इट इज वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ, यू कैन आल्सो ट्राई। देख लेंगे, सब लोग इतना अच्छा से पी रहा है। यस, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है गाइस, हम चाय पी लेते उसके बाद। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा लंच टाइम हो गया है, क्योंकि हमारे पलक खराब हो गए हैं, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी दो बजने करीब करीब। ठीक है, हम लोग अभी खाना वाना करते हैं। देखा लो तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा हमारा ये काम हो गया है। तो मैंने आप लोगों को बोला था इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा बोल के। तो हमारा पास पास्टर है, तो यही बताएगा आप लोगों को मतलब इसमें क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो मैं पास्टर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब ये क्या होगा, कितना होगा, हमारा मतलब दोस्त लोगों का बोल दीजिए थोड़ा। हम लोग आज इधर आया है, इधर विशेष जगह का मकसद तो छोटा प्रार्थना घर के लिए डेडिकेट किया है इसका। तो देखिएगा, इधर एक घर है, अभी माता जी का कैसे होगा, इस सब का प्रार्थना कर रहे हैं। आने दिन में इधर हमारा मकसद ये है, यहाँ का लोग जो प्रभु यीशु क्राइस्ट के ग्रहण करके उसको
रिसीव करके स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता बनाएगा। ये एक क्या बोलेगा, ये भवन है, ये भवन तो एक स्वर्ग राज जाने वाला एक सीढ़ी जैसा है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यहाँ से धेरे ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में आत्म लोग बसेगा और स्वर्ग में जाएगा, हम ये विश्वास करेंगे। I believe that you know the many people they come here and they worship together. They worship together, and you know they go to heaven. And our main aim is this: that you know let everybody come to Jesus and accept as their personal savior. It is not you know the religion, but it is a relationship with God. And I believe that you know the God is going to do wonderful things. थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसे कि पास्टर जी ने आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया इसमें क्या होगा, मतलब कैसे क्या होगा। एक्चुअली ये एक प्रार्थना भवन होगा, ठीक है। तो हम लोग आज थोड़ा शुरू किया है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जस्ट हम लोगों ने ये एक प्रार्थना, उन लोग एक्चुअली दिमापुर से आया है, तो ये प्रार्थना करने के लिए अब एक खूटा लगा दिया है। उसके बाद कल फिर काम होगा। तो आप लोगों ने, पास्टर जी ने आप लोगों को अच्छे से मतलब समझा दिया है कैसे क्या होगा। तो आई होप आप लोग सब समझ गया, ठीक है। आज के लिए इतने में याद करता है, तो मतलब जितना हो सके आप लोगों को दिखाया हमने कैसे क्या कितना क्या किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल में नई आए तो सब्सक्राइब करना। ओके, एक फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल टाटा, बाय बाय, बाय बाय। লাগি এই ঘৰখন সাজি, এই নামঘৰখন সাজি আমি কেইদিন পাছত আকৌ আপোনালোকক এখন ভাল ভিডিঅ' দিমহি। আৰু যদি চাই ভাল পাব তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ। দুদিন লাগিব আমি, পাছত দুদিন কৰি আমাৰ মহিলাবিলাক আহিব, মোচা মুচি কৰিব। আচ্ছা, আৰু অতি সোনকালে শেষ কৰি আমি এইখন দুৱাৰ মুকলি কৰিব লাগিব। সপ্তাহলৈ, নেক্সট সপ্তাহলৈ আমি মানে একেবাৰে মানে কমপ্লিট কৰিম। আচ্ছা আচ্ছা, हिंदी में बोलने से अच्छा होगा। हिंदी में, हिंदी में, हाँ बहुत मुश्किल आता है हम लोग, नो प्रॉब्लम।